नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। छोटी बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम आपके साथ, मैं हूं अल्पना शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के इस स्पेशल बुलेटिन को। राज्य के हमीरपुर में एक स्कूल टीचर की मौत के मामले ने काफी उग्र रूप ले लिया है। लोग जिले के उपायुक्त से इस बाबत मिले भी। इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुहैया करवाने और निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की गई। एडीसी साहब से रिक्वेस्ट थी, सर हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। अगर इस टाइम और के दौरान कुछ लेता है तो फिर क्या? इस टाइम टाइम के टाइम पीरियड के दौरान तीन दिन के अंदर अगर कुछ और हो गया तो फिर हम धरना देने के लिए तैयार, पूरी पब्लिक ऊपर है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर पीजी कॉलेज में बुधवार को चार दिवसीय छात्रा वर्ग की वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में राज्य के कई कॉलेजेस से पहुंची छात्राओं ने भाग लिया। पहला मैच सोलन और ठियो के बीच हुआ। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के आयोजन को लेकर मेला कमेटी अध्यक्ष और उपायुक्त शिमला की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में लवी मेले को बेहतर बनाने और व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। कांगड़ा जिले में गांव नोरी के रहने वाले अश्वनी की हत्या के मामले में कार्रवाई न होने पर पपरोला बाजार में चक्का जाम किया गया। अश्वनी के परिजनों और गांव के लोगों ने मिलकर ये चक्का जाम कर डेढ़ घंटे तक नेशनल हाईवे को बंद रखा। शिमला में बने दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल की सफाई व्यवस्था और वहां काम करने वाले स्टाफ के सेवा भाव से काफी प्रभावित हुए। मंडी जिले के डीसी सभागार में मंडी में फोर लेन से जुड़ी समस्याओं को लेकर एक मीटिंग हुई। जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो सभी को दे रही है। इस बैठक का रिव्यू हम हर महीने करेंगे, जो सरकार के मापदंड है उसके अनुसार ये बैठक बार बार की जाएगी ताकि जो इश्यूज जो डायरेक्शंस दी है उसका कंप्लायंस भी हो और उसका हम फॉलोअप भी कर पाए। करवा चौथ त्योहार को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शिमला, हमीरपुर, ऊना समेत प्रदेश के कई बाजार ऐसे हैं जहां रौनक देखी जा रही है करवा चौथ को लेकर ही। कहीं मेहंदी लगवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं महिलाओं की, तो कहीं कपड़े और ज्वेलरी की शॉप्स में भारी भीड़ देखी जा रही है। धर्मशाला में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर निचले हिमाचल से भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से धर्मशाला को राज्य की दूसरी राजधानी माना है, लेकिन जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई है उसने राजधानी के सारे सिस्टम को ही ठप कर रख दिया है। जो दूसरे इलाकों में भी सरकार जाती थी, सिर्फ कांगड़ा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जाती थी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा सब इलाकों में सरकार धर्मशाला से मूव करती थी, वो सारा जो है इन्होंने ठप करके रख दिया। तो आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अपने प्रदेश से लेकर देश दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहें अमर उजाला.com के साथ।